एलजी का ये फ्रंट लोड का, तो वॉशिंग मशीन का इसका हम डायग्राम बोले थे, तो डायग्राम तो नहीं, इसका कनेक्शन बता देता हूँ। यहाँ पे एक और एक यहाँ पे, ये दोनों मेन का है और ये पॉइंट हीटर का जाएगा, जो हीटर को पानी गर्म करते हैं कपड़ा वाश के समय, वो यहाँ पे ये वाला कॉर्नर का है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इनलेट का है, और यहाँ से एक ग्राउंड रहेगा कॉमन इसके साथ में, और ये जो है ये वाला डोर स्विच का है, ये और ये दोनों जाएंगे यहाँ पे, जब सप्लाई आती है तो जाके ये एक्टिवेट होता है, इसके अंदर थर्मोस्टेट सिस्टम पे स्विच रहता है, ये डायरेक्ट हो जाता है फिर ऐसे, तो यहाँ से निकल करके बाकी सप्लाई, एक सप्लाई जो यहाँ पे ग्रीन वाली आएगी वो यहाँ सेंटर पे आके रुकी रहती है, तो जब ये हीट होता है तो ये डायरेक्ट इसके साथ में अटैच हो जाता है, अटैच होता होने के बाद तब जाके काम करता है। और ये वाला जो है ड्रेन मोटर की है, तो ये कामन यहाँ से ये निकल के ड्रेन का, और ये और इसके साथ में एक निकल के आपका चला जाएगा डोर स्विच के लिए, और ये तो ये वाला मोटर का है। इसमें क्रमशः जो पहला नंबर है वो सेंटर में जाएगा, प्रेशर जो ये है प्रेशर सेंसर, इसके सेंटर पॉइंट पे आ रहा है, और दूसरा और तीसरा ये निकल करके प्रेशर सेंसर के दोनों साइड पे आएगा, और ये वाला जो है ये, और यहाँ से कॉमन हो गया ग्राउंड है, तो ये और ये वाला लास्ट का, ये कॉर्नर का ऊपर लास्ट का, ये और ये दोनों जाएंगे जब हीटर का जो सेंसर है पता लगाने के लिए कि पानी का हीट कितना है, तो उसके हिसाब से ही ये रिले को ऑन किया जाएगा, तो उसके लिए ये रहता है। अगर ये एरर नहीं रहेगा, आप कनेक्ट नहीं किए रहेंगे तो एरर आएगा, फिर मशीन वही हालत हो जाएगी, टुन टुन बजना शुरू हो जाएगा, तो यही है। और इस तरह मैं करता हूँ और मैं बना के रख देता हूँ, जब भी ज़रूरत लगती है तो मैं एक एक सर्किट आती है और मैं बना बना के रखते जाता हूँ, तो आप देखोगे एन टेक्निकल का ये बना दिया हूँ। तो अगर आप कमेंट करोगे कि नहीं आपको ये चाहिए, तो मैं डायग्राम बना करके रखे रहता हूँ, और कोशिश करूँगा कि जब कमेंट करेंगे तो आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाइएगा आप ये डाउनलोड करके रख सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है कि मैं कोई चीज़ छुपा के रखता हूँ। और आप जब तक मैं ये काम करता हूँ और इस लाइन में हूँ, इस लाइन में मतलब मैं अभी इसमें आया हूँ, 6 महीने हुआ है, तो जितना नॉलेज है मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगा, आप जितना उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं आप कर लीजिए, आपके काम आएगा। आप लोगों में से भाई अगर कोई भी सक्सेस हो जाएगा तो मैं ये समझूंगा कि हमारा दिया हुआ ज्ञान किसी के काम आया, तो मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग को। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तो